हेलो दोस्तों, मैं स्मृति। आज ये जो हम दही वाला चाट बना रहे हैं, घर में आप लोग सिर्फ 5 मिनट में बना पाओगे। और इसका जो वड़ा है यानी भल्ला, वो भी सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। बिना तेल के झटपट ये रेसिपी बनके तैयार होगी। और इसका टेक्सचर देखिए, खाने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये ब्रेड से बना हुआ है, ना कोई दाल पीसने की झंझट। जब भी आपका दही भल्ला खाने को मन करे, आप इसे तुरंत बना सकते हैं। घर में मौजूद सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है और मैंने इसमें 2 तरह के स्टफ भल्ला बताई है जो बहुत यमी लगेगी, आप ही जरूर ट्राई करें। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है स्टफ दही भल्ला। ब्रेड के दही बड़े बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिया है, सैंडविच ब्रेड। इसके जो कॉर्नर्स है ना, साइड्स, हम उसको काट के अलग कर लेंगे पहले। तो ये मैंने 7 से 8 ब्रेड लिए हैं जिसके हम दही बड़े बनाएंगे आज। और ये जो ब्रेड के साइड्स हैं, इसके आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। इसको खुली हवा में सुखा के मिक्सर जार में पीस के ऐसे ही हम सारे ब्रेड्स के साइड्स काट के पहले अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड्स रेडी कर लिए हैं, इसके साइड्स काट लिए हैं। और ये जो ब्रेड के साइड्स हैं, इसका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं और फ्रीजर में 1 मिनट तक स्टोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरह से दही बड़े बनाना बताऊंगी। एक तो हम सिंपल बनाएंगे और एक हम आलू की स्टफिंग से बनाएंगे जो बहुत ही यमी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश करके लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, साथ ही 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये फटाफट हमारी दही बड़े के लिए आलू की स्टफिंग तैयार हो गई। तो देखिए, स्टफिंग हमारी तैयार है और ब्रेड भी तैयार है। अब हम ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए एक बाउल में दूध डालेंगे। तो ये मैंने 1/2 कप दूध लिया है, साथ ही मैंने 1/2 कप पानी लिया है। तो दोनों आपको बराबर क्वांटिटी में लेनी है। अब हम ब्रेड लेंगे एक और इस दूध और पानी में इसको डिप करेंगे, ऐसे निचोड़ लेंगे, ऐसे डिप करके इसको बाहर निकाल लें। और फिर जो पहली स्टफिंग है वो मैं किशमिश से बना रही हूँ, तो इसके बीच में हम ऐसे ही 4-5 किशमिश डाल देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसे दोबारा स्क्वीज कर देंगे ताकि एक राउंड शेप ले लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें राउंड बना लेना है किशमिश की स्टफिंग डाल के। अब मैं आपको आलू से दिखाती हूँ। तो उसी तरह से हम दोबारा ब्रेड को डीप कर लेंगे और इसको दबा के इसका जो एक्सेस दूध और पानी है वो निकाल लेंगे। और इसके बीच में हम जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको रखेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर जो इसका एक्सेस दूध और पानी है वो निकाल लेंगे ऐसे दबा के। तो देखिए, इसी तरह से आलू और किशमिश की स्टफिंग डाल के हम तैयार कर लेंगे दही बड़े। तो ये देखिए, मैंने सारे दही बड़े तैयार कर लिए किशमिश की स्टफिंग डाल के और आलू की स्टफिंग डाल के। अब आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पत्तल लिए हैं, इसके अंदर पहले हम थोड़ी दही डाल लेंगे बेस में और फिर हम ऊपर से ये दही बड़े डालेंगे। तो एक प्लेट में मैं किशमिश की स्टफिंग वाली दही बड़े डाल रही हूँ और दूसरे में आलू की स्टफिंग वाले। अब हम वापस से दोनों के ऊपर दही डाल लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों के ऊपर दही डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ये सौंठ की चटनी डालेंगे। इसकी जगह पे आप इमली की भी चटनी डाल सकते हैं। तो अब जितना मीठा खाना चाहें उस हिसाब से आप डाल लें। साथ ही में अब हम इस पे हरी चटनी डालेंगे, जो आप धनिया पुदीने की चटनी घर पे आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये दही बड़ा मसाला लिया है जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। इसको मैंने लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला डाल के तैयार किया हुआ है। तो घर के मसालों से ही आप ये दही बड़ा मसाला तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये मसाले नहीं है तो आप सिंगल मसाले ही इसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा इंस्टेंट दही बड़ा बनके तैयार है। तो देखा ना आपने, कितना आसान था ये दही भल्ला की रेसिपी। मजा आ जाएगा, आप एक बार बनाकर ट्राई तो कीजिए। दही भल्ला की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूले। हमारे पेज इंडिया का तड़का पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।